नमस्कार, यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी की सभी बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। जुड़े रहिए बलिया न्यूज के साथ और पाइए सभी ताज़ा बड़ी अपडेट्स। नए संसद भवन के उद्घाटन पर मायावती ने दी शुभकामनाएं, कहा बाबा साहेब के पवित्र संविधान की नेक मनसा के हिसाब से जनहित में इस्तेमाल हो। लखनऊ में विधान परिषद की 2 सीटों पर वोटिंग आज, 20 साल बाद होगा मतदान। बीजेपी दोनों ही सीटों पर कब्जा करेगी। योगी 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार, जल्द आजम को हराने वाले आकाश को मिल सकती है जिम्मेदारी। मंत्री AK शर्मा का कद हो सकता है कम। फतेहपुर में छत्तीसगढ़ के CM ने PM पर बोला हमला, कहा संसद भवन के उद्घाटन में विपक्षी दलों की मांग को नज़रअंदाज किया गया। रवि किशन बोले सपा सरकार में राम गड़ताल में लाशें बहती थी, गोरखपुर में मच्छर भी मर जाए तो अखिलेश ट्वीट करते हैं मोदी जी से उन्हें चिढ़ है। अखिलेश बोले भाजपा सरकार की नीतियों की हो रही समस्याओं की जड़, सपा नेताओं झूठे मुकदमे लगाए जा रहे, डराने धमकाने की कोशिश की जा रही। प्रयागराज में नगर निगम में तिरंगे का अपमान का वीडियो, मीटिंग हॉल में खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया तिरंगा, मेयर बोली कड़ी कार्रवाई करेंगे। 12वीं पास के लिए वन विभाग में 1484 वैकेंसी, ग्रेजुएट के लिए लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट बनने का मौका, सैलरी मिलेगी 1 लाख तक। अयोध्या में चलती स्कूटी में लगी आग, बाइक सवार ने कूदकर बचाई जान, 2 माह पहले ही खरीदी थी बाइक। प्रयागराज में RRR के मूल मंत्र पे साकार करेगी नेकी की दीवार, प्रयागराज में RRR सेंटर की शुरुआत, संगम देवालयों में खुलेंगे मोबाइल कलेक्शन एवं सेंटर। प्रयागराज में DM ऑफिस के बाहर युवती की पुलिस से नोकझोंक, पशु चिकित्सा अधिकारी की शिकायत करने पहुंची थी, धरना प्रदर्शन करने से रोकने पर पुलिस से भिड़ी। अयोध्या में राम जन्मभूमि के पास हुआ धमाका, निर्माणाधीन मकान में सुतरी बम फटा, मजदूर हुआ घायल। आजमगढ़ में 5 मुकदमों का वारंट, गैंगस्टर हुआ गिरफ्तार। आजमगढ़ में गैंग बनाकर अपराधी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप, पुलिस कर रही थी तलाश। आजमगढ़ में टारगेट तक नहीं पहुंच सकी पोलियो अभियान, 56% बच्चों को पिलाई गई दवा, कई केंद्रों को जारी हुआ नोटिस। मथुरा में RSS संघ शिक्षा वर्ग, वृंदावन में शुरू हुआ 20 दिवसीय संघ शिक्षा ब्रिज, ब्रिजपात्र में 500 स्वयंसेवक भी हुए शामिल। अमेठी में गायत्री माह जयंती गंगा दशहरा पर्व पर हुआ शुभारंभ, 1.25 लाख गायत्री महामंत्र के जाप कर लिया संकल्प, 30 मई को दी जाएगी पूर्णाहुति। अमेठी में युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन, सांसद स्मृति ईरानी ने वर्चुअल किया उद्घाटन, युवाओं के बाद बढ़ाया हौसला। बलिया में रिश्वतखोरी का वीडियो, खतौनी वेरिफिकेशन के नाम पर बाबू ने लिए पैसे, कहा इसमें कई लोग शामिल। बलिया में योग उत्सव कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन, निलंब लेखक के वैभव क्विज प्रतियोगिता में प्रियंका, चित्रकला प्रतियोगिता में खुशबू रही अव्वल। लखनऊ में जर्जर बिजली का पोल टूटकर गिरा, 1000 से अधिक घरों की विद्युत आपूर्ति हुई ठप, गर्मी से विद्युत आपूर्ति उपभोक्ताओं रहे परेशान। आगरा में कलश यात्रा में गूंजे बिहारी जी के भजन, पहले दिन पंडित गरिमा किशोरी ने भागवत महात्म कथा का रसपान कराया। आगरा में संसद में उद्घाटन दिवस पर जिला कांग्रेस ने मनाया धिक्कार दिवस, जिला अध्यक्ष ने कहा यह देश के राष्ट्रपति का अपमान है, PM ने नए संसद भवन का किया उद्घाटन। आगरा में IAS को के पिता रोते हुए वृद्धा आश्रम पहुंचे, बोले घर में था नौकरों जैसा व्यवहार, वृद्ध आश्रम में रहने के हुए मजबूर। 1 दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे जयंत चौधरी, सभा में बोले देश और प्रदेश सरकार किसान विरोधी है, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगाई बिजली। गोरखपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रोइंग प्रतियोगिता का 2रा दिन रेप चेप मुकाबलों में मिला पदक जीतने का मौका, 2000 मीटर दूरी। मुरादाबाद में जननायक एक्सप्रेस में नशा देकर लूटा जहर, खुरान गिरोह ने पहले सीट ऑफर की फिर नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई, मुरादाबाद में भर्ती हुआ युवक। देरी से पहुंचने पर हार्ट अटैक मरीजों की हो रही मौत, KGMU में एक्सपर्ट बोले समय से आने पर 80% मरीजों की बचाई जा सकती है जान। यूपी की बड़ी खबरें, नोएडा में बाप बेटे ने किया सुसाइड, आर्थिक तंगी और बीमारी से थे परेशान। बेस्ट यूपी में हिंदू दोस्त बनाने पर हुआ बवाल, 14 दिन में हुई 11 घटनाएं, कई हिंदू दोस्त बनाने पर बवाल तो कहीं हिंदू लड़कियों के हिजाब पहनने पर हुआ हंगामा। आकांक्षा दुबे के कपड़ों की रिपोर्ट आई, गारमेंट्स में मिले सीमन समर सिंह समेत 4 लोगों का हुआ DNA टेस्ट, एक्ट्रेस का 26 मार्च में होटल में मिला था शव। 10 तस्वीरों में देखे बांके बिहारी फूल बंगला, भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए लगाई गई खस की टटिया, कलियों के बनाया गया मुकुट। प्रयागराज में मिला पोलियो का 6 वायरस, स्वास्थ्य विभाग चिंतित, WHO ने कराई थी रेमंड सेपलिंग, मुंह के रास्ते बॉडी में एंट्री करता था वायरस। 36 जिलों में आज आंधी बारिश का रहा अलर्ट, बागपत में सबसे ज़्यादा 14 मिमी बारिश रिकॉर्ड, कल से नौतपा का असर शुरू। वाराणसी में गर्मी के बीच गंगा में मस्ती, वाराणसी में फ्लोटिंग जेटी और बाथ कुंड में नहा रहे सैलानी, गंगा में स्विमिंग पूल जैसा मजा। सेफ्टी टैंक में उतरते पिता पुत्र समेत 4 की हुई मौत, कुशीनगर में सफाई करने के दौरान हुआ हादसा, 1 की हालत हुई गंभीर।
राकेश टिकट बोले पहलवानों को एजेंडा पंचायतों में रखेंगे, खाप लेगी फैसला, महापंचायत समाप्त, अब 11 जून को मुजफ्फरपुर में होगी। सनबीम स्कूल में मौत से पहले छात्रा का एक घंटा प्रिंसिपल के कमरे में 39 मिनट तक रही, 6 मिनट का फुटेज हुआ गायब, इसी में मौत का राज। कानपुर में हिस्ट्री शीट की हत्या का वीडियो, आईपीएल में 20,000 रुपये के सट्टेबाजी को लेकर हुआ था झगड़ा, 2 शूटर हुए अरेस्ट। बलिया में सपा ने मनन दुबे को परिजनों को दी आर्थिक सहायता, नेताओं के घर पहुंचकर पिता को सौंपा 3 लाख का चेक, अखिलेश यादव ने दिया था आश्वासन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आजमगढ़ दौरा, 31 को बदला रहेगा यातायात। औतरलिया के भवरोपुर में हुई बेटी की शादी, 18 मई को सास का हुआ था निधन। 18 साल के युवाओं के लिए इंडियन में नेवी में मौका, SC ST फ्री में कर सकते हैं अप्लाई, सिलेक्शन के बाद 1 लाख तक होगी सैलरी। आज ही के दिन हुआ था एवरेस्ट फटा, 1953 में 13 देशों के 1200 लोग हुए थे नाकाम, फिर हिलेरी तेंजिन ने पहला कदम रखा। विश्व में सबसे बड़े भालू संरक्षण केंद्र से रिपोर्ट, हीट स्ट्रोक के बचाने के लिए भालू पूल में कर रहे मस्ती, खा रहे फ्रूट आइसक्रीम। बड़े रेसलरों की लड़ाई में जूनियर पहलवान मुश्किल में, प्रैक्टिस के लिए रोटी पानी तक छोड़ा पर टूर्नामेंट कैंसिल हो रहे। जंतर मंतर पर धरना देने वाले पहलवानों पर हुआ FIR, दिल्ली पुलिस ने टेंट भी उखाड़े, बारिश से टला IPL फाइनल आज होगा। इसी के साथ धन्यवाद, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक से रिकमेंड कर दीजिए, जुड़े रहिए बलिया न्यूज़ के साथ और पाइए ताज़ा।